मेरा नाम सुरभि ओझा है, मैं उज्जैन से आई हूँ। तो मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो उसमें क्या है, बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स हैं, बहुत सारे लंबे लंबे, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें फोकस करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम लगता है उनको पढ़ने में, समझने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में। तो इससे टेक्स्ट बेस से हमको ये उससे मतलब कि समझने में, पढ़ने में, उनको याद करने में, एक कहानी की तरह से सेक्शन को याद करने में, और किस बहुत सारे केसेस रहते हैं उस केस में कहानी की तरह उनको बनाने में, और ऐसा उस केस को ऐसा बनाओ कि वो कहानी की तरह से अपनी दिमाग में सेट हो जाए और उस केस को कभी भूले नहीं। जैसे अपन को बहुत सारे केसेस ऐसे रहते हैं कि अपन को याद हो जाती है, कुछ टाइम बाद अपन उनको रिपीट ना कर पाते वो भूल जाते हैं। तो इसलिए उसको टैक्स वे की तरह से हमने ये सीखा कि बड़ी चीज को छोटा करके उसको ऐसी कहानी की तौर से बनाओ कि वो दिमाग में एकदम सेट हो जाए और उसको चीज को कभी भी भूले ना और दूसरे को अच्छे से समझा पाए। मैं इस कंपनी से कुछ पता नहीं था मेरे को पहले, कभी जो मेरे रिलेटिव हैं उनने मुझे बताया, मैं तो कंटिन्यू अपनी स्टडी में लगी रहती हूँ, तो उनने बताया तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं, मेरी पढ़ाई में भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा। तो उससे जो कुछ भी मेरे को ठीक लगेगा तो मैं उससे समझूंगी, सीखूंगी, आगे सबको बताऊंगी, तो उससे बहुत सारे लोगों को उससे कुछ बेनिफिट होगा, तो उनको भी अच्छा लगेगा और आप उनको भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ जाके कुछ सीखेंगे तो अच्छा लगेगा अपन को, इसलिए हम इस कंपनी में आए। हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ समझा, बहुत सारे लोगों से मिले, तो इससे हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों से पहचान हुई हमारी इतनी, और टैक्स वे से बहुत अच्छी हमें चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू।